आ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 5th चैप्टर 5th चेंज ऑन द अर्थ सरफेस। चेंज ऑन द अर्थ सरफेस फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन वर्ड इज रिएक्टर स्केल। वट इज रिएक्टर स्केल? अ स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। जैसे कि अर्थ के ऊपर जो अर्थक्वेक आते हैं उनका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी हम किस में किस स्केल में मेजर करते हैं? रिएक्टर स्केल। जैसे कि आप मिल्क लेते हो, मिल्क कैसे लेते हो? लीटर्स में लेते हो, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। वैसे ही आप जैसे कि अर्थ का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे मेजर करते हैं हम? रिएक्टर स्केल में। ठीक है, जो अप टू 4 रिएक्टर स्केल अर्थक्वेक होता है वो नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा नुकसान हार्मफुल नहीं होते, बट मोर देन 4 रिएक्टर स्केल अर्थक्वेक्स आर वेरी हार्मफुल। एंड व्हाट इज द रिएक्टर स्केल? इट इज अ स्केल विच टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। ड्रिफ्ट, व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट क्या होती है? मूविंग अवे फ्रॉम समवेयर और समथिंग। जैसे कि आपको मालूम है अर्थ के सरफेस के ऊपर 30% क्या है? लैंड है, 70% क्या है? वाटर। और जो 30% लैंड है वो 7 टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। ठीक है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मूव करती हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती रहती हैं, वी कैन से टेक्टोनिक प्लेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिनेंट्स। जिस 7 कॉन्टिनेंट्स लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं और ये फ्लोट करते हैं मैग्मा के ऊपर। ठीक है ना, डेट्स वाई दे आर ऑलवेज मूव। एंड जब ये मूव अवे फ्रॉम ईच अदर जाते हैं, जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। जब कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं उसे क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पंजिया, वट इज पंजिया? वन बिग लैंडमास दैट इंक्लूडेड ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स 250 मिलियन ईयर्स अगो। एज वी नो जो अर्थ का सरफेस है 30% सरफेस है 7 कॉन्टिनेंट से बनी है। आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो जो 7 कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ज्वाइन हो गए थे, मतलब एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट बन गया था इन 7 कॉन्टिनेंट्स के ज्वाइन होकर। तो इस 7 कॉन्टिनेंट्स जब ज्वाइन हुए थे उनको क्या बोला गया था? पंजिया। ओके, ये कब हुआ था? 250 मिलियन ईयर्स अगो। शोक वेव, अ सडन वेव ऑफ इंक्रीज प्रेशर और टेम्परेचर कॉज्ड बाय एन एक्सप्लोजन। जैसे कि आपने देखा होगा जब एक्सप्लोजन होता है, जैसे आप दिवाली पे पटाखे चलाते हो, जब एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ से एक ना वेव क्रिएट होती है जिससे आपको मतलब जो आपके कानों तक भी सुनाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? सडन वेव। मतलब एयर में क्या होता है? प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, जिसके कारण आपको मालूम चलता है कि एक्सप्लोजन हुआ है। जैसे 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 एक्सप्लोजन की जो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे कि एटोमिक बम्ब है वहाँ पर जो शॉक वेव होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो शॉक वेव इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उनके रास्ते में आने वाले सब कुछ भी होता है, हाउसेस, बिल्डिंग्स, कोई चीज़ भी अगर रास्ते में आती है तो वो सारा सारा कुछ क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो किस कारण होता है? ओनली ड्यू टू शेक वो शॉक वेव। कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है अर्थ 30% ऑफ अर्थ इज लैंड एंड 70% इज वाटर। और जो 30% लैंड है वो अलग अलग किससे बने? 7 टेक्टोनिक प्लेट्स। इन टेक्टोनिक प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। इन टेक्टोनिक प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। देर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ? 7 कॉन्टिनेंट्स। लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ मीन जो सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर जो लैंड मास होता है, जो लैंड मास होता है वी कैन से टेक्टोनिक प्लेट होती है जिससे क्रस्ट बनती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सरफेस ऑफ अर्थ। भी अर्थ का जो सरफेस है मतलब कैसे बना है वो? अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ का सरफेस है 70% क्या है? उसमें वाटर के साथ कवर है। एंड 30% इज कवर्ड विद लैंड। एंड जो 30% कवर है लैंड से, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 7 ह्यूज कॉन्टिनेंट्स। किससे बना है? 7 ह्यूज लैंड मास से बना है।
जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट्स बोल सकते हैं। बट दीज लैंड मॉसेस एंड वाटर बॉडीज आर नॉट अनटच्ड बाय चेंज। ये सेवन कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, लगातार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वाटर बॉडीज मतलब लैंड मॉसेस एंड वाटर बॉडीज आर अनटच नॉट अनटच्ड बाय चेंज मीन ये लगातार चेंज होते रहते हैं, इनकी शेप बदलती रहती है। चेंज कीप अकरिंग इन दैम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो चेंज होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, वो अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे जो चेंज होते हैं, ठीक है। जो इनका चेंज है 1 ईयर 2 ईयर में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इनको इनके जो चेंज होता है इनमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे रहते हैं। सम ऑफ दिस चेंज इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ न्यू आईलैंड, चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर, चेंज इन द शेप ऑफ रॉक्स एक्सेट्रा। जैसे जैसे इनमें चेंज होता है तो क्या होता है, न्यू आईलैंड बनते हैं, मतलब मोस्टली न्यू आईलैंड बनते हैं। जैसे कि रिवर्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जो रिवर्स का जो रास्ता होता है, पाथ होता है, वो भी लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। चेंज इन द शेप ऑफ रॉक्स, और लगातार जैसे जब टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे एक दूसरे से टकराती है, कोलाइड होती है, तो वहाँ पर क्या बनते हैं, पीक्स बन जाते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से रॉक की शेप भी लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। लेट अस फाइंड हाउ एंड व्हाई दिस चेंज अकर। हम अभी देखेंगे भी ये चेंज क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर ग्रुप टूगेदर इन टू सुपर कॉन्टिनेंट कॉल पंजिया, ठीक है। आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, जो सेवन कॉन्टिनेंट्स थे वो क्या हो गए थे, एक दूसरे से ज्वाइन हो गए थे, ग्रुप बना लिया था उन्होंने, ठीक है। और उन सेवन कॉन्टिनेंट्स को ग्रुप को क्या एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट्स बन गया। सेवन जब सेवन कॉन्टिनेंट्स कंबाइन हुए, ज्वाइन हुए, तो क्या हो गया, एक बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया जिसको क्या बोला गया, सुपर कॉन्टिनेंट। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को क्या नेम दिया गया, पंजिया। द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ कॉल्ड द पंजिया टू ब्रेक इनटू सेवरल लैंड मासेस दैट बिगन टू स्लोली मूव अवार्ड अपार्ट एंड फॉर्म सेवन कॉन्टिनेंट्स। द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, जैसे कि आपको मालूम जो अर्थ क्रस्ट है वो जो मेंटल लेयर है जो सेमी मोल्टन रॉक्स के बनी है, जो मेंटल है अर्थ के जो सेमी मोल्टन रॉक्स से बनी है, उसके ऊपर अर्थ क्रस्ट क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। और इससे क्या होता है, जैसे अर्थ क्रस्ट फ्लोट करती थी, सेवन कॉन्टिनेंट्स क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, कभी कंबाइन हुए थे, कभी ब्रेक हुए थे, ठीक है। तो जब ये पंजेया ब्रेक हुआ तो कितने कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो गया, इनटू सेवन कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो गया, और क्या हो गया, बिगेन टू मूव अपार्ट एंड फॉर्म सेवन कॉन्टिनेंट्स। और धीरे धीरे एक दूसरे से मतलब दूर जाने लगा, मतलब ड्रिफ्टिंग होने लग गई और सेवन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। दिस प्रोसेस वॉज ग्रेजुअल एंड टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूज होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूज मीन ये प्रोसेस हर एक साल जो कॉन्टिनेंट्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इन द सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। मतलब 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर तक मूव कर सकते हैं 1 ईयर में, ठीक है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट, हम इसको विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट चेक कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जैसे जो कॉन्टिनेंट्स मूवमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अंडरलाइन इट, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग एट द स्पीड ऑफ 1 to 10 centimeter per year। स्टडीज जैसे साइंटिस्टों ने बताया है कि जो कॉन्टिनेंट्स अभी भी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और कितनी स्पीड से मूव करते हैं, 1 to 10 centimeter per year।